चुनाव की तारीख जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र लेकर जनता के समक्ष खड़ी हो गई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी में पदयात्रा कर रहे थे, जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और एक बार फिर से राहुल और प्रियंका जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर भी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। राहुल गांधी इससे पहले महंगाई के खिलाफ अपनी बात कहते हुए नजर आए थे। प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा को लेकर अपनी बात कहती हुई नजर आई हैं, लेकिन यहां पर देखा गया है कि भारी संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई है रायबरेली में, यहां पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाएं अपनी बात प्रियंका गांधी के समक्ष रख रही हैं। जब केंद्र की मोदी सरकार भाजपा के तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की जाती है, बैठक की जाती हैं, जनसभाएं की जाती हैं, उसमें महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती है जितना इस बार रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में देखने को मिल रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।